नमस्ते दोस्तों, राजीव एबीसीडी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारी जो आदतें हैं, कुछ जो अनभिज्ञ हम रहते हैं और जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इससे ज्ञात किया है कि यहाँ किस तरह से इन आदतों को हम छुटकारा पा के इसमें हमारी जो उन्नति है उसमें हम अग्रसर हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है कि हमारी जो चार आदत रहती है जो हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमें उनसे किस तरह से छुटकारा प्राप्त करना है, उन्हें सुधार कर हम किस तरह से अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, यह हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली गलती है कि जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं, वह अगर घर को गोबर से गुरुवार के दिन लिपा जाता है, अगर हमारे घर पे अगर कोई मिट्टी का घर है या फिर जो भी है, तो उसमें अगर हम घर को गोबर से लिपते हैं तो यह हमारी पहली गलती मानी जा सकती है। क्योंकि गुरुवार को अगर हम इस तरह का कुछ कार्य कर सकते हैं या फिर करते हैं तो वह शनि महाराज के हिसाब से वह गुरु ग्रह को यह पसंद नहीं है, सबसे पहली बात। और जो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुरु और शनि ये अपने अपने जगह पे सम रूप से काम करते हैं और वह उनको एक दूसरे का जो स्वभाव है वह ज़्यादा उनको पटता नहीं है या फिर मिलता नहीं है, इससे इनकी जो एक हम गरीबी की तरफ आगे थोड़ा बढ़ने लगते हैं। अपने जो केश है उसे पीली मिट्टी से धोने से यह भी एक नया संयोग हमें गरीबी की ओर बढ़ाने के लिए काफ़ी साबित होता है, क्योंकि हमारे जो बाल है वह काले कलर के होते हैं और उसमें जो शनि महाराज का एक समझो नाराजी वाला जो रूप है वह काले इसमें काफ़ी समाया हुआ है, काले कलर में समाया है, और उसमें अगर हम पीली मिट्टी या फिर पीली मेहंदी जो भी कुछ कलर वगैरह लगाते हैं गुरुवार के दिन, तो उससे भी वह काफ़ी नाराजी वाला काम हो जाता है। और इसमें ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गुरु जो हमारे ग्रह है वह हमारी संपन्नता, हमारा ऐश्वर्य, धन संपदा के विशेष रूप से ध्यान रखने वाले शुभ ग्रह माने जाते हैं हमारे गुरु ग्रह। यह आप ज्योतिष शास्त्र में इन्हें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वह हम पे प्रसन्न होंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो और तीसरी गलती हम यहाँ पर ले सकते हैं कि हजामत मीन्स जो कटिंग है हमारे बालों के लिए, हम अगर गुरुवार को करते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, उस दिन जानबूझ के कर लेते हैं, तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार और शनिवार ये दो विशेष दिन माने जाते हैं जहाँ हम बालों को केश कर्तन नहीं करना चाहिए, जिससे कि ग्रहमान हमारे उत्तेजित होके हमें अशुभ फल देने लगते हैं। तो यह ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी सारे बुकों में यह वर्णित है कि आप गुरुवार और शनिवार ये दिन छोड़ के आप अगर केश कर्तन करते हैं कटिंग की दुकान में तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस दो दिन अगर आप करते हैं तो इसका अशुभ फल आपको प्राप्ति हो सकती है और होने आपको प्रारंभ हो जाती है। तो इससे हमारे काफ़ी सारे नुकसान बढ़ जाते हैं, जो हम देखते हैं कि हम तो काफ़ी सारे सही मार्ग से चलते जा रहे हैं और हमारे बिजनेस में हमारे घाटा क्यों आ रहा है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने कर दिया कर नहीं कर दिया या फिर कुछ भी, और जिससे हमारा नुकसान होने जा रहा है, और कोई किसी के अपने पैसे ले के जाता है, कोई ब्याज से ले के जाता है, कोई किसी और दे नहीं पाता जो वक्त उसने दिया होता है। तो इसमें जो हमारी ये नुकसान वाली बात हो जाती है, इसमें इन ग्रहों की नाराज़गी ही इसमें सबसे प्रथम भाग होता है। और इसी तरह से हम अगर कपड़े धोबी जी को अगर देते हैं हम गुरुवार के दिन, तो वो भी उनके गुरुवार गुरु ग्रह के नाराजगी का एक और एक काम हो जाता है। और अगर हम गुरुवार और शनिवार को गाय को पीला भोजन, केले, पीले फल, पीली मिठाइयाँ और विशेष कुछ जो डॉग्स होते हैं उनको भी हम खिलाते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ेगी, और हम अगर गरीबों को भी खाना देते हैं या कुछ भी 10 रुपए का
₹15 का उनको नाश्ता करा देते हैं तो उससे भी वो प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये जो हमारी चार अगर जो पहले हमने आपको गलतियाँ बताई हैं वो अगर आप उसमें ना करने में सफल हो चुके हैं या फिर सफल हो गए तो आपको एहसास होगा कि आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आ रही और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनते जा रहे हैं और जो आपके लेन देन का मामला है वह भी आपको फटाफट आपको रास आ रहा है और उसमें आपको सफलता मिल रही है। और जो जिस पे किसी को हमने पैसे दिए थे, किसी को धन दिया था, तो वह भी अपने मुताबिक टाइम पे वह हमें वापस करने आ रहा है। तो यही हमारी एक विशेषता इसमें मानी गई है और यही हमारा एक इसमें रिसर्च किया है कि अगर हम बृहस्पति देव को जितना हम प्रसन्न करेंगे उतनी हमारी धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। तो इसी प्रकार से यह ज्योतिष शास्त्र हमारे लिए ऋषि मुनियों ने हजारों सालों से हमें इसकी पूरा रिसर्च करके हमें प्राप्त करा दिया है, लेकिन हम उसे नहीं जानते और नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है। तो इसी तरह के विशेष वीडियो और रिसर्च के अनुसार आपको इसे ध्यान देना है और आपको करके देखना है। अगर आपको इसमें कुछ लाभ प्राप्त होता है तो आपको रेगुलर करना है। तो इसी तरह के वीडियो को आपको देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।